Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of AIIMS, Govinda Greens. मध्य प्रदेश में मंत्री बिसाहूलाल सिंह के बयान पर हंगामा लगातार जारी। भोपाल में खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह के विवादित बयान को लेकर राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना में रोष देखा गया। करणी सेना कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर पहुंचकर मंत्री बिसाहूलाल को काले झंडे दिखाए, कार्यालय में नारेबाजी की। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और करणी सेना के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की स्थिति भी बनी, लेकिन समय पर पुलिस ने पहुँच करके मामला शांत करवाया। हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं को थाने लेकर आया गया। वहीं अपने बयान को लेकर मंत्री बिसाहूलाल का कहना है कि उनके बयान वाले वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मेरे बयान को वीडियो पूरा देखकर समझा जा सकता है। वहीं मामले को लेकर मुरैना में भी क्षत्रिय समाज ने आक्रोश प्रदर्शित किया। मुरैना शहर के नेहरू पार्क से पुराने कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर क्षत्रिय समाज ने प्रदेश सरकार के मंत्री बिसाहूलाल सिंह के पुतला दहन किया और इस दौरान प्रदर्शन का कांग्रेस ने समर्थन भी कर दिया। इधर अनूपपुर में भी बिसाहूलाल के खिलाफ लोगों ने आवाज़ बुलंद की। जिले से सवर्ण महिलाओं समेत सवर्ण समाज, करणी सेना, महिला कांग्रेस ने सामूहिक रूप से विशाल रैली निकाली और विरोध किया। उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग भी की। हमने किसी के लिए भद्र इस तरह की बात नहीं कही है। सबसे पहले पूरी वीडियो देखना पड़ेगा। हम सभी समाज के महिलाओं को आगे लाने की बात की है, उनको भी आगे आना चाहिए। और हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सुधीर, जिस तरह से मंत्री के बोल, फिर उसकी सफाई और उसके बाद माफी भी सामने आ चुकी, लेकिन जो पूरे दिन का घटनाक्रम बताता कि जल्दी मामला शांत होने वाला नहीं। देखिए पुनीत, बिल्कुल 2018 के अगर हम चुनाव में जाएं तो उस समय माइके लाल का एक बयान बड़ी चर्चा में आया था और उसके बाद से लगातार हमने देखा था कि किस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर लगातार जो है स्वर्णों को लेकर एक आंदोलन खड़ा हुआ था। बिसाहूलाल सिंह का आज जिस तरीके से पूरे प्रदेश में विरोध शुरू हुआ है, निश्चित तौर पर यह बयान का बवाल जो है जल्दी थमने वाला नहीं है, क्योंकि एक लंबी रणनीति जो है वो कांग्रेस के साथ में विपक्षी दलों ने बनाई है। इसके अलावा जिस समाज के लेकर बिसाहूलाल सिंह ने जो बयान दिया था, समाज में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। हालांकि सरकार की ओर से, बिसाहूलाल सिंह की ओर से और बीजेपी की ओर से यह सफाई सामने निकल कर आई है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था और इस पूरे मामले पर बिसाहूलाल सिंह जो है वो कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और पुलिस के पास जाकर जिसने भी वीडियो से छेड़छाड़ की है उसके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे। पर लेकिन अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है, लिहाजा इस पूरे बयान को लेकर आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। राजधानी भोपाल की बात करें, आज जिस तरीके से उनकी गाड़ी का घेराव किया गया था करणी सेना के द्वारा, चाहे हम अनूपपुर की बात करें उनके गृह जिले की, जहां पर कांग्रेस के साथ में करणी सेना और स्वर्ण समाज के लोग सड़कों पर उतर कर आए थे। इसके अलावा क्षत्रिय समाज के लोगों ने मुरैना के अंदर विरोध किया था। यह बिल्कुल साफ बताता है कि बिसाहूलाल सिंह का जो बयान है यह निश्चित तौर पर आने वाले समय में बिसाहूलाल सिंह और बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। लिहाजा इस पूरे बयान पर कोई नई रणनीति या कोई एक नया माफीनामा जो है वो शायद बीजेपी या बिसाहूलाल सिंह को मांगना चाहिए। हालांकि बिसाहूलाल सिंह अपने बयान को लेकर पहले ही कह चुके हैं कि बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, पर लेकिन इसके बाद भी अगर किसी को उनके बयान से दुख हुआ है, आहत हुए हैं, तो वो माफी भी मांगते हैं। पर लेकिन बयान के बाद में जिस तरीके से बवाल है, यह साफ तौर पर दिखाता है कि मध्य प्रदेश में आने वाले चुनाव में निश्चित तौर पर यह बयान एक बड़ा सियासी हथियार सामने निकल कर आएगा। फिलहाल अगर बात करें तो पूरे प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर बिसाहूलाल सिंह का विरोध किया जा रहा है और आज राजधानी भोपाल में जिस तरीके से विरोध किया गया, यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बीजेपी और बिसाहूलाल सिंह के लिए ये जो है बिल्कुल भी सुखद संकेत साफ तौर पर नहीं कहे जा सकते। पुनीत, सुधीर, हालांकि इस पूरे मामले को एक दिन से ऊपर हो चुका है, इस पर मंत्री अपनी तरफ से सफाई भी दे चुके हैं, संगठन भी अपनी तरफ से इसे कह चुका है और अब तो तोड़ मरोड़ कर पेश करने वाला बयान, जो पहले भी इस तरह के बयानों के बाद सामने आता रहा था, वो भी कहा जा रहा है, लेकिन क्या इस पूरे प्रकरण में जो विरोध प्रदर्शन करने वाले संगठन है उनका यह कहना था कि मंत्री को बर्खास्त करें वरना लगातार उनका आंदोलन चलेगा, लगातार विरोध चलेगा, आज उनके तेवर कैसे दिखाई पड़े हैं? क्या आगे भी आंदोलन चलता रह सकता है? देखिए निश्चित तौर पर पुनीत, बात करें करणी सेना की, क्षत्रिक समाज की या फिर स्वर्ण समाज के लोगों की और साथ ही साथ कांग्रेस की, इस मुद्दे को फिलहाल ठंडे बस्ते में डालने के बिल्कुल भी मूड नहीं है। समाज के अंदर आक्रोश है। निश्चित तौर पर बिसाहूलाल सिंह ने भले ही बयान को तोड़ मरोड़ने वाला वीडियो बताया हो, पर लेकिन जिस तरीके से उनका वीडियो वायरल हुआ था उसको देखकर ये लगता है कि बयान में जो बातें कही गई थी उसको लेकर कहीं ना कहीं जो समाज के लोग थे वो आहत हुए हैं। लिहाजा विरोध फिलहाल थमेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है और जिस तरीके से आज आक्रोश भोपाल की सड़कों पर, अनूपपुर की सड़कों पर और मुरैना के अंदर
दिखाई दिया। यह साफ तौर पर बताता है कि आने वाले दिनों में बिसाहूलाल सिंह का विरोध जो है वो और भी ज्यादा देखने को मिल सकता है। पुनीत, चलिए बहुत शुक्रिया आपका सुधीर इस पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि आज दिन भर कई संगठनों ने, खासतौर से राजपूत समाज ने, इस बात का काफी विरोध किया है और ये आगे भी विरोध जारी रह सकता है क्योंकि तेवर कम से कम इसी तरह के दिन भर दिखे हैं।